दूर हटो, तुम मेरी कोई नहीं लगती और मुझे छूना मत। चंकुक का बात सुनकर मेरा दिल टूट गया, मगर मैं इस बार और नहीं रुकी और जैसे भी करके मैंने चंकुक से उसका फोन ले लिया। मगर तभी अचानक से चंकुक के फोन में फिर से कॉल आता है और कॉल उठाने से पहले मैंने चंकुक की तरफ आखिरी बार देखा और फिर कॉल उठाने के बाद मैं चुप रही। चंकुक बेबी, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। हेलो, तुम कौन हो? एक्सक्यूज मी, मैं तो चंकुक की गर्लफ्रेंड हूँ, मगर तुम कौन हो? मैं उसकी। हेलो, कोई है क्या वहाँ? मुझे सहन नहीं हुआ और मैंने उसी वक्त फोन रख दिया। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा दिल एक कांच की तरह तोड़ दिया। क्यों जंकुक, क्यों किया तुमने ऐसा? जाओ, बस मुझे सही वक्त का इंतजार है। चंकुक और भाभी
भाभी इन पेपर्स पर साइन करने के लिए मान जाए और उसके बाद जैकपॉट। अरे ये आवाज कैसा, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? शायद मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए, मगर पहले मुझे इन्हें उठाना पड़ेगा। ओ जी सुनते हो, जल्दी से उठिए ना। क्या हुआ, इतनी रात को इतना शोर क्यों मचा रही हो? मुझे चंकू के कमरे से अभी कुछ गिरने का और किसी के रोने का आवाज आया है। की तुम क्या बोल रही हो, इतनी रात को भला कौन जगा होगा? मगर मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, कहीं चंकुक ने बहुरानी के ऊपर हाथ तो नहीं उठाया होगा ना? ये तुम क्या बोल रही हो, हमारा चंकुक कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। मगर फिर भी जब तक मैं नहीं देख लेती कि बहुरानी ठीक है, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही बेचैनी हो रहा है तो चल के एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी चलिए। जंकुक मेरी तरफ ऐसे मत देखो, और वैसे भी मैंने तुम्हें जानबूझ के धक्का नहीं दिया, मगर गलती तो तुम्हारा ही था। अगर तुम मेरे रास्ते से पहले ही हट गई होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। चाहे आज तुम कुछ भी कर लो, मगर मैं तुम्हें आज जाने नहीं देने वाली। वाह रस्सी चल गई, मगर बल नहीं गया। जंकुक आज तुम कहीं नहीं जाओगे, और अगर तुमने जाने का कोशिश किया तो मैं सबको सारा सच बता दूंगी। तुम्हें तुम मैं जंकुक, ये तुम बहुरानी से किस तरह से बात कर रहे हो, और ऐसा कौन सा सच है जो हमें नहीं पता? वो बहुरानी एकदम सच सच बोलना। आप लोग इससे क्या पूछ रहे हो, मैं खुद ही बता देता हूँ। मुझे ये शादियाँ नहीं निभाना। क्या तुम्हारे लिए शादी कोई बच्चों का खेल है? ये तो क्या बोल रहा है, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? इसने मेरा जिंदगी बर्बाद किया है, और मुझे अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहना है, इसके साथ नहीं। अगर मैंने तुझे पहले सीधा किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, अपना सारा तमीज भूल गया था तू। पापा आपने इसके लिए अपने बेटे पे हाथ उठाया। चंकुक तुम ठीक तो हो ना? बस बहुत हुआ, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से पापा ने मेरे ऊपर पहली बार हाथ उठाया। निकल जाओ इस घर से और मेरी जिंदगी से। क्या?